ना कि आप एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद उतना लंबा प्रोसेस चल के आ रहे हैं तो फिर चीज का फायदा ही नहीं है। अगर आपकी हैरेसमेंट के हमारे पास एप्लीकेशन आती है ना तो उसके अंदर हम विद इन 8 आवर्स अपना फर्स्ट एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त आप हमें एक रिपोर्ट करते हैं ना तो कुछ चीज़ें जो हमने फॉलो कर ली, थोड़ा बहुत हमने आपको भी वेरीफाई करना है। अब देखो आप ये भी नहीं चाहोगे कि आई कैन वॉक इन टू एनी पुलिस स्टेशन एंड कंप्लेंट अगेंस्ट यू, और हम आपके घर भी आ जाएं, आपको हाथ भी ले आए, यू नो। सर्जरी की इंक्वायरी हर बंदे कराई थे ना, कि हर कंप्लेनेंट ने तो सही बात नहीं करा, हम चेक करते हैं और हम अगर हमें जेन्युइन कंप्लेंट मिलती है तो हम इमीडिएटली उस पर एक्शन लेते हैं। उसमें फिर जाहिर सी बात है जो ट्रेसिंग का एक उसमें टाइम है, एड्रेस वगैरह, अक्सर ऑनलाइन कंप्लेंट अगर बंदे को ना सही नाम पता होता है, ना सही एड्रेस पता होता है, ना कोई उसकी कोई ट्रेसेबल इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। वो जाहिर सी बात है फिर हम अपने तरीके से करते हैं, उसका आईडी कार्ड निकालते हैं, आईडी कार्ड फोन निकालते हैं, फोन से बायोमेट्रिक निकालते हैं, बायोमेट्रिक से उसके घर का एड्रेस निकालते हैं, फैमिली निकालते हैं। इन चीज़ों में 2-3-4 दिन अक्सर लग जाते हैं। लेकिन अगर आप हमें एक वर्किंग मोबाइल नंबर देते हैं तो जिस वक्त आपके हमारे पास कंप्लेंट आती है ना तो लेट आवर उससे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कॉलिंग।